हेलो दोस्तों, जैसे कि आज को पढ़ेंगे हम लोग आज का करंट अफेयर। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन देख सकते हैं आप, देखिए हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, नफ्तली बेनेट, इसको जरूर याद कीजिए। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्या इसराइल का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो लेटेस्ट न्यूज जो आ रहा है, इनके विषय में आप देखिए आप स्क्रीन पे। और आइए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर टू पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर टू पे चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच टाउन ऑफ श्रीलंका। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलोनारुवा इसका आंसर है। और आप इनके जो कि चाइना का जो लेटेस्ट न्यूज़ में इस पर आया है श्रीलंका के विषय में, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये हुआ, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप पढ़ सकते हैं, इन्वेंशन इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो जो मिशन स्पेस है, इन्वेंशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, इसका जो आंसर होगा आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये इसका आंसर होगा। और इसके विषय में और डिटेल जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए पढ़िए, मैं इसको डाटा ज़्यादा डिटेल से नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके या इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं। और इसके पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन होके जरूर ज्वाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, इंडिया सिक्योर विच रैंक ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द कोर्सेरा। तो 67 जो रैंक है इंडिया का वो कितना पर है, 67, इसे याद रखिए। और स्विट्जरलैंड का है रैंक 1 में है, लुक्जमबर्ग का अगर रैंक 2 में, रैंक 3 में जो आता है ऑस्ट्रेलिया, तो याद कीजिएगा। ये तीन कैटेगरीज में बताया गया, एक तो बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में और डाटा साइंस में। उसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं, हु चेयर द 44 मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिसेंटली। ये आपके लिए जितना भी क्वेश्चन पढ़ा, ये आपके लिए थोड़ा सा बेस्ट या वही क्वेश्चन बोल सकते हैं इससे। तो इसका आंसर जो है ये निर्मला सीतारमण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये आने वाले एग्जाम में हो सके आ सकता है। और जीएसटी से रिलेटेड या कुछ भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप इस पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कौन सा राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च करने जा रहा है, कौन सा राज्य। तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य जो युवा शक्ति अभियान से लॉन्च करने वाला है। और मध्य प्रदेश में अभी लेटेस्ट क्या क्या न्यूज है उस यहाँ पर आप इन्हें आराम से डिटेल से पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। जो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कहाँ का है, अलाहाबाद का चीफ जस्टिस, वो कौन सेलेक्टेड हुए हैं यहाँ पर, हमारे संजय यादव जी सेलेक्टेड हुए। और ये 25वां कोर्ट है इंडिया का, और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वुमेन, ये तो जरूर इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट का जो मैन था फातिमा बीवी, और जो फीमेल हाई कोर्ट जज इंडिया का जो कहेंगे वो आना के निशब आ सकता है। इससे रिलेटेड जितना भी है पीछे ऑल न्यूज़ सारा इस पर डिटेल दिया हुआ, आइए देखते हैं। विश्व रक्त दिवस पर हर किस दिन मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है, तो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात है कि हु रॉट द बुक होम इन द वर्ल्ड, तो इसका जो आंसर है वो है अमर्त्य सेन, इन्हें यही लिखा था। कौन सा बुक लिखा है ये, होम इन द वर्ल्ड, उससे बने और डिटेल कौन कौन बुक है लेटेस्ट में जो न्यूज में आया, ये सब बुक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, अब इन्हें पढ़ सकते। और क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई के ड्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो उसका आंसर है 2 साल के लिए। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे,
हाल में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है हुसैन ए मुसल्लम, इसे सेलेक्ट किया गया, नियुक्त किया गया इसे। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन? तो ये नेवाक डीजेवस का, ये भी थोड़ा सा ये आपके लिए VVI हो सकता है। और हु लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन वन द फ्रेंच वुमेन सिंगल टाइटल 2021? तो इसको मिला ये मिला इसको बारबोरा किजिक्स। ये नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये किजिक्स जैक रिपब्लिक का इस तरह ही नाम हुआ था, उससे रिलेटेड जितना भी फ्रेंच नेम जो है या फ्रेंच से रिलेटेड जितना भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि फ्रेंच में और क्या क्या है। फ्रेंच में रोनाल्ड गैरोस है, मेजर टेनिस टूर्नामेंट है, क्या क्या और इम्पोर्टेंट है यहाँ देख सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर आपके लिए यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। और आप मेरे टेलीग्राम जो टेलीग्राम मेरे चैनल है उस पर जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें। और फिर जितना भी सोशल अकाउंट में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।